आज घर की रसोई में बनने जा रहा है एक पनीर रेसिपी जिसका नाम है कढ़ाई पनीर। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कढ़ाई मसाला तैयार करना होगा। एक कढ़ाई लेंगे हम, गैस ऑन कर लिए हैं, गैस धीमी है, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 साबुत मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंग। इसको हम धीमी गैस पर लगातार चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल, उसमें हम डाल देंगे रफली चॉप किया हुआ प्याज, अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियाँ। इसको एक बार हम चला लेंगे। हमें ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। एक बार और चला लेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे 2 कटा हुआ टमाटर, 8-10 काजू। एक बार फिर चला लेते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे हल्का सा नमक जिससे टमाटर प्याज जल्दी से गल जाए। एक बार ढक देते हैं, फिर ढक्कन हटाकर देखेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एक बार चलाकर फिर से हम इसको ढक देंगे ताकि ये मैशी हो जाए। अब देखिए ये पकने लगा है, बिल्कुल मैशी हो गया है। इसी स्टेज पर हम इसको गैस बंद कर देंगे। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, दोनों ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए इसको हमें पीसना है, मोटा दरदरा ही इसको पीसना है। और प्याज को भी हम पीस लेंगे। अब सेम कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच तेल और पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। हमें पनीर को छानना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको उलट पलट देते हैं ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ये फ्राई हो गया, अब हम निकाल लेते हैं। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी, आप मक्खन भी डाल सकते हैं। और एक प्याज हमने रफली काट लिया है, इसको हम चला लेते हैं। प्याज डालने के बाद हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च जो हमने चौकोर चौकोर काट के लिए हैं। इसको भी एक बार स्टर करके निकालेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको क्रंची ही रखना है। अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा चला लेते हैं। अब उसमें डाल देंगे पिसा हुआ पेस्ट जो प्याज और टमाटर का हमने पीस कर रखे थे, और 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कढ़ाई मसाला जो हमने मोटा दरदरा पीसा है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। और इसको हमें अच्छे से भूनना है। एक बार फिर चला लेते हैं। गैस हम धीमी कर देंगे, फिर एक बार ढक देंगे। 2-3 मिनट ढकने के बाद हम खोल कर फिर इसको एक बार चला लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तब उसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। उसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर प्याज में भी पहले नमक डाले हुए हैं। और उसी में हम डाल देंगे पनीर जो हमने 250 ग्राम लिए हैं, और अच्छे से इसको चलाना है। चलाते हुए अच्छे से हमें इसको भून लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और चला लेते हैं। चलाने के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मलाई या क्रीम, और 1 लंबाई में कटा हुआ हरा मिर्चा। और एक बार इसको हम फिर चला लेते हैं। एक बार ढक देंगे, धीमी गैस होनी चाहिए। एक बार खोल कर फिर हम इसको चला लेंगे। ये देखिए इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। गैस धीमी है, एक बार फिर हम इसको ढक देंगे। 2-3 मिनट ढकने के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और देखिए सब्जी तेल छोड़ चुकी है, सब्जी बिल्कुल रेडी है। हल्के हाथों से इसको हम चलाएंगे। उसमें डाल देंगे हम हरा धनिया,
लीजिए हमारी सब्जी रेडी है। इसको आप पराठा, नान, रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आइए हम इसको निकाल लेते हैं, अब सर्व करने के लिए तैयार है।